हेलो एवरीवन दोस्तों, अगर आपका नया चैनल है तो फिर इसके अंदर आप कितना भी कोशिश कर लो, टैग अच्छा डालो, डिस्क्रिप्शन में अच्छा डालो, टाइटल अच्छा डालो, इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब तक कि आप 50 वीडियो एक ही तरह के बनाएंगे नहीं, तब तक 50 वीडियो आपको बनाने पड़ेंगे। जब 50 वीडियो बन जाएंगे तब YouTube का जो एल्गोरिथम है उसे पता चलेगा कि ये भाई साहब इस तरह के वीडियो बनाता है, तो फिर इसमें आपको फ़ायदा होगा, जो YouTube सर्च में लाएगा। तब तक नहीं लाएगा। आप चाहे नया चैनल हो, कितना भी आप अच्छा टाइटल डाल दो, थंबनेल डाल दो, इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। वही 50 के अंदर ही व्यूज आएंगे, कभी भी इतना वायरल नहीं जाएगा। इसलिए सबसे पहले 50-60 वीडियो एक ही, आपका जो भी इंटरेस्ट है उस पर वीडियो बनाओ, जो भी कैटेगरी है उस पर बनाओ। फिर जब यूट्यूब के एल्गोरिथम में आप सिलेक्ट हो जाओगे, वो कब होगे पता नहीं, तभी आपका यूट्यूब सर्च में आएगा, उसके बाद व्यूज़ बढ़ेंगे, उसके बाद ही सब कुछ होगा, सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे। इसीलिए मेरा ऐसा मानना है कि नए चैनल वाले निराश मत हो, जब तक कि YouTube आपको सिलेक्ट नहीं करता, इसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। और सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट वीडियो बनाओ, जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर उसमें आप पूरा कर लो। फिर वॉच टाइम के लिए तो आपको लॉन्ग वीडियो बनाना ही पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो पर। जय हिंद।